राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। आज की रात बाबा के चरणों में बैठ के लगा रहे हैं आप सभी, और कौन कौन चाहते हैं बालाजी महाराज को प्रसन्न करना, सभी मिलकर गाएंगे, सभी पीछे वाले भक्त भी मिलके गाएं, और सभी की आवाज होनी चाहिए, कोई म्यूजिशियन नहीं, आप सिर्फ बोलेंगे प्रभु को मना के राम राम सिया राम। थोड़ा सा और जोर से बोलिए, सीधे कानों तक पहुंचना चाहिए बाबा के, एक बार जोर से बोले क्या, के राम राम सिया राम। इधर वाले भक्त बोलेंगे या घूंघट में रहेंगे, घूंघट छोड़ दीजिए आज की रात, क्योंकि हमारे तो उस साइड में कोई घूंघट नहीं निकालते, तो सभी मिलके बोले के राम राम सिया राम। अब आएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा बालाजी महाराज को, और क्या कहेंगे, दोनों हाथ उठा के बिटी बिटी ताली।
आपको भक्तजन उठा रहे हैं और आप उठ नहीं रहे, ऐसे नहीं होता। ये कहते कि अगर यही घर में अपने जागरण करवाएं, जब कोई शादी होती है या बच्चे का बर्थडे होता है, तब अगर यही जागरण हम घर पे कराएं तो फिर तो सारे के सारे उठ के नाचते हैं। पर आज कीर्तन हो रहा है मेरे बाबा का, तो चाहूंगी जो आगे भक्तजन बैठे वो सभी हाजिरी लगाएं तो अच्छा लगेगा। ताराचंद सैनी जी, अच्छा एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली लगाएं एक बार, बाबा के चरणों में हाजिरी लगा रहे। और क्या राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। आपकी फरमाइश उन्होंने की है। एक बार कोई बात नहीं, जैसा एक बार आइए, क्योंकि बाबा के चरणों में सभी भक्तजन हम एक जैसे हैं। और सभी हाथ उठा के ताली जरूर लगाइए, दोनों हाथ उठा के, राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया होता श्री राम का, लगता है पैरा वहाँ वीर हनुमान का। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पैरा वहाँ वीर हनुमान। राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। झमे 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, झमे झमे नाचे देखो वीर हनुमाना। राम जिस घर में
बज गए ढोली नगाड़े, ओए क्या बात हो गई कि बजरंग बाला से अपनी ही मुलाकात हो गई। भाई जिनकी मुलाकात हो रही है बाबा को एक बार बताइए, सभी गाकर बोलें, क्योंकि बाबा के चरणों में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सभी हम एक भक्त हैं बाबा के, प्यारे प्यारे भक्त आज बाबा के चरणों में हाजरी लगा रहे हैं। तो चाहूंगी सभी मिलके लगाएं हाजरी, क्या कहेंगे कि बजरंग बाला से अपनी मुलाकात हो गई। क्या हो रही है अब, किन किन की मुलाकात हो रही है बताएंगे मुझे जरा एक बार। सरिता जी, हाँ जी, मुझे तो लगता है इनको ये समझ आ रही है कि मुलाकात हो रही है। क्या मुलाकात हो रही है भाई? बालाजी महाराज से मुलाकात हो रही है या मुलाकात हो रही है? मुलाकात हो रही है ना, इधर वाले तो मुलाकात नहीं कर रहे ना, उनसे डरना भाई। एक बार सभी मिलके बोले कि बजरंग बाला से अपनी ही, क्या क्या हो रही है? हाँ मुलाकात, सभी मिलके बोले। कहते हैं कि जब कीर्तन करते हैं बालाजी महाराज को तो ताली होनी चाहिए, तो चाहूंगी दोनों हाथ उठाइए एक बार, सभी के हाथ उठने चाहिए, हाथ नीचे किसी के भी नहीं हो चाहिए, और उठाइए दोनों, सभी क्या कहेंगे? बजरंग बाला से अपनी ही। हेलो सुनीता जी, हाँ जी, अथारली पार्टी के क्या है? अथारली पार्टी आवाज आई का मुक्का लात हो गई, इन्हें मारली पार्टी आवाज बोली आई मुकालात होगी। भाई ये थारली पार्टी आवाज बेइज्जती करवाने वाली बात हो रही है भाई, मुकालात नहीं करनी उनसे। इन्हें देखो मारली पार्टी भी सुनो। अच्छा ठीक है, बेइज्जती ना करवा दियो। बजरंग बाला से अपनी ही, इन्हें कह देखो बब्बर, इन्हें कह बब्बर शेर की दाढ़। भाई ऐसे बब्बर शेर, ये तो उधर लक्ष्मी बाई भी है, ऐसे और थारली पार्टी देखो दिखा। हाँ बोले एक बार, बजरंग बाला से अपनी ही। सुनीता जी इन्हें फिर सुनाई कर, ऐसे नहीं, एक बार जोर से बोले भाई, ये पीछे वाले भक्त मिलकर बोले कि बजरंग बाला से अपनी ही। और अब सारे मिलके बोले तो मेरे बाबा से मुलाकात जरूर होके रहेगी आज की रात, क्योंकि साक्षात बालाजी महाराज आप सभी को यहाँ दर्शन देंगे। दोनों हाथ उठाइए बड़े प्रेम से और सभी बोले बजरंग बाला से अपनी ही, मेरे बाबा से अपनी ही। शुभ घड़ी आई के बटने लगी है बधाई, शुभ दिन आया कि शुभ घड़ी आई के बटने लगी है बधाई, देखो देखो वो बाबा मुस्कुराने लगा, देखो देखो वो बाबा मुस्कुराने लगा, वो जिसको देखो वही अब गुनगुनाने लगा, देखो वही अब गुनगुनाने लगा। अरे हो गए बारे न्यारे हो गई, हो गए मारे न्यारे, क्या बात हो गई कि बजरंग बाला से अपनी ही, मेरे बाबा से अपनी ही। भाई ये जिनकी मुलाकात नहीं हो रही लगता है बीच के अंदर भाग रहे हैं। आंटी जी घूंघट वाले आंटी जी, ए मन लागे आ रहा हमारी समझ में भी को नहीं हुए। नहीं नहीं सुनीता जी, दिन का पेपर है हम। ओहो आंटी जी का पेपर है क्या? हाँ जी जी, आंटी जी का पेपर है। भाई हम जो बोल रहे हैं वो समझ तो आ रहा है ना आप सभी को? हाँ फिर ठीक है, क्योंकि भी हम हिंदी गा रहे हैं, कल को ये कहते कि समझ ही नहीं आया, तो फिर सभी मिलके गाएं। कहते हैं कि जब हम भजन गाते हैं बाबा के दरबार में एक मेवा पड़ा होता है, मेवा समझते हैं? हाँ मेवा पड़ा होता है, जब हम अकेले अकेले हाजरी लगाते रहते हैं, इधर बजाने वाले बजाते रहते हैं, तो वो जो सारी रात का मेवा होता है वो सारे हम ही ले जाते हैं, क्योंकि वो सारा हमारे पास होता है।
पर हम ये चाहते हैं जितने भी भक्तदास दरबार में आए हैं वो मेवा सभी को थोड़ा थोड़ा मिले, क्योंकि सभी बांट कर खाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो प्रसाद है उस देव का। तो चाहूंगी दोनों हाथ उठा के क्या बजरंग बाला से मुलाकात हो गई, मेरे पापा से अपनी मुलाकात हो गई। जय हो तुम्हारी के शंकर के अवतारी, जय हो तुम्हारी के, जय हो तुम्हारी के शंकर के अवतारी। लहरी हारे का साथी है सहारा तू, सबकी बिगड़ी बना मेवाला है तू। अरे भर गई झोलियां सबकी ओई क्या बात हो गई, भर गई झोलियां सबकी ओई क्या बात हो गई। बजरंग बाला से अपनी मुलाकात हो गई, मेरे बाबा से अपनी मुलाकात हो गई। और देखिए आज दरबार में इतने भक्त बैठे हैं तो क्यों ना बालाजी महाराज यहाँ आएंगे, क्योंकि जब सभी की पुकार एक होती है तो अपने आप चलकर आते हैं। और आज हमने बालाजी महाराज को मजबूर कर देना है यहाँ आने के लिए, और चाहूंगी सभी मिलके क्या कहेंगे कि चले आओ बाबा मेरे चले आओ। ऐसे नहीं, जब तक भक्त नहीं बुलाएंगे तब तक नहीं आने। सभी उठाइए दोनों हाथ और सभी मिलके बोले चले आओ बाबा मेरे चले आओ। हाँ कोई नहीं, आराम से बोल के चले आओ बाबा मेरे चले आओ, ओई चले आओ बाबा मेरे चले आओ। बालाजी महाराज को बुलाना चाहते हैं या नहीं बुलाना चाहते? अब उठाइए दोनों, ये पीछे वाले भक्त भाई कंजूसी करते हैं तो कंजूसी मत कीजिए, अगर बालाजी महाराज ने कंजूसी की तो हम कहाँ जाएंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, क्या कहेंगे के चले आओ बाबा मेरे चले आओ। अगर बुरा ना माने तो एक बात बोलूं मैं, क्योंकि आप सभी को जब अच्छा लगता है जब हम गाते हैं, उधर बजाने वाले जब बजाते रहते हैं क्योंकि उनकी हाजिरी लगती रहती है, एक ऐसा कीर्तन होना चाहिए जिससे बालाजी महाराज खुद मजबूर हो कहें कि भी हाँ भक्तजन सच्चे दिल से मुझे आज यहाँ बुला रहे हैं। और वो कैसे होते कीर्तन, कैसे होता? तालियों से होता है, चाहे वो बजे ना बजे पर आपकी ताली जरूर होनी चाहिए। उठाकर दोनों हाथ, जिनको बाबा ने दो दो दिए हाथ वो दोनों उठाइए, और जिनको एक वो एक, और जिनको नहीं दिया वो उठाइए। क्या ताली एक साथ बनी थी, उठाकर चले आओ बाबा मेरे चले आओ, चले आओ चले आओ बाबा मेरे चले आओ, चले आओ चले आओ बाबा मेरे चले आओ, चले आओ चले आओ बाबा मेरे चले आओ। ओ झूठे क्यों पे झूल, ओ झूठे क्यों पे झूल, कोई भूल हो गई तो हमका माफी दे दो,